नमस्कार और आप देख रहे हैं सिरसा शहर की आज कुछ खास झलकियां। प्राचीन और आधुनिक सिरसा का मिला जुला स्वरूप हम आपको अलग अलग भाग में सिरसा की अलग अलग एरिया के बारे में बताएंगे। सिरसा के मुख्यतः चार भाग हैं। एक और जहां सिरसा को त्रिवेणी कहा जाता है, वहीं डेरों और परंपराओं का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डेरे सिरसा ज़िले में हैं। वैसे सिरसा का इतिहास समाज और अपनी वैभवशाली प्राचीन संस्कृति एवं विकास की जानकारी देता है। हम आपको सिरसा के अस्तित्व के बारे में भी बोध करवाएंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम आपको आज अलग अलग एरिया के बारे में जानकारी देंगे, कौन से क्षेत्र में क्या चीज़ें बनी हुई हैं। इससे जब भी आप सिरसा में आएंगे तो आपको इनसे अवगत होना होगा। यानी आप अगर शहर हिसार की तरफ से आ रहे हैं या फतेहाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो आपको आसानी से सिरसा के अंतर एंट्री करने का अवसर मिलेगा। इससे आप जब भी सिरसा के अंदर आएंगे तो आप पहले से इन चीज़ों के बारे में अवगत होंगे। ये हमारे लिए न केवल हर्ष का विषय होगा बल्कि गर्व का विषय भी होगा कि हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे पाए। और सबसे पहले हम सिरसा के पूर्वी भाग में पहुँचेंगे। अगर आप हिसार की तरफ से आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपका स्वागत करता है महक गार्डन और उसमें आगे बना हुआ एक ढाबा, जिसमें आप मस्त छोले कुलचों के साथ भरपेट खाना भी खा सकते हैं। और अगर आप गाड़ी लेकर के आए हैं तो इसे धुलवा भी सकते हैं और वो भी फ्री में। वहीं बगल में दूसरी ओर है भाई कन्हैया आश्रम, जहाँ मानसिक मंद बच्चों का वहाँ पर रखा जाता है। उसी के बगल में है रॉयल हवेली और ठीक उसके सामने है PVR OHM, जहाँ पर हर तरह की आप लेटेस्ट मूवी देख सकते हैं। यहाँ खरीदारी की भी व्यवस्था की गई है और बच्चे अगर आपके साथ आ रहे हैं तो बच्चों के लिए अलग अलग तरह के झूले भी लगे हुए हैं। महक गार्डन के बिल्कुल बगल में भाटिया रिसोर्ट भी है। यहाँ पर हरे भरे पार्कों के साथ अनेक तरह की व्यवस्थाएँ हैं। अगर आप शहर से नेशनल हाईवे 9 पर जाते हैं तो यहाँ पर द पर्ल रिजॉर्ट भी है, जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ पर मनमोहक दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा आगे जाने के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जो काफ़ी बड़ा है और खेतों में बना होने के कारण यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर नेक्सा मारुति सुजुकी का भी एक शोरूम है, जहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। यहीं से एक टर्न आता है जो ऊपर की तरफ पुल के रूप में है, जो डब्बा वाली की तरफ जाता है। यहाँ से आपको सिरसा नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अगर आप डब्बा वाली जाना चाहते हैं और दूसरे बरनाला की तरफ जाना चाहते हैं तो इस रोड को आप क्रॉस करके जा सकते हैं। अब नेशनल हाईवे से हम होते हुए अगर शहर की तरफ से हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर ढाबा आता है, महक गार्डन आता है, भाटिया रिसोर्ट आता है और ओम शाइन थिएटर भी है। सिरसा की सैन कहे जाने वाले इस नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बहुत सारे पैलेस बन चुके हैं, कई बड़े और बढ़िया होटल बन चुके हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम भी इस नेशनल हाईवे पे बन रहे हैं। वहीं रॉयल हवेली के बिल्कुल सामने नेशनल हाईवे को क्रॉस करने के बाद में ओम शाइन थिएटर है, जिसको हम पहले भी आपको इसके बारे में बता चुके हैं। यहाँ पर कई तरह की फिल्में भी लगी होती हैं। जो फिल्म मौके पर लगी होती है वो सामने डिस्प्ले में दिखाई देती है। यहाँ पर काफ़ी सारे खिलौने भी बच्चों के लिए रखे हुए हैं और खेलने की यहाँ व्यवस्था की गई है। अगर आप बच्चों को मूवी दिखाने के बाद में खिलाना चाहते हैं तो वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था है। और एक पतंजलि का यहाँ शोरूम भी है, जो पतंजलि के प्रोडक्ट हैं वो भी यहाँ मिलते हैं। ये ऊपर से लिया गया मनमोहक नज़ारा है ओम शाइन थिएटर, भाटिया रिसोर्ट और महक गार्डन का। इस महक गार्डन के बिल्कुल बगल में आप देख सकते हैं भाटिया रिसोर्ट की तरफ वो रोड जा रहा है और चारों तरफ हरियाली है, खेतों में गेहूं लगे हुए हैं जिसकी वजह से खूब हरियाली हो रही है। दिसंबर जनवरी और फरवरी में यहाँ पर काफ़ी रौनक होती है। इस समय पूरा जो है ये ओम शाइन थिएटर है, इसे सजाया गया है। यहाँ पर फव्वारे भी लगे हुए हैं जिसमें आप घूम सकते हैं, अपने परिवार को ला सकते हैं।
और अब इसके बाद में हम गाड़ी को टर्न लेते हैं और सीधा चलते हैं शहर की ओर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कन्हैया आश्रम है, जहाँ पर मानसिक मंद बच्चों को रखा जाता है। शहर में कहीं भी वो गुम हो जाते हैं या कहीं से भी आते हैं तो यहाँ इन्हें रखा जा सकता है, भाई कन्हैया आश्रम। इसके प्रधान गुरविंदर सिंह जी हैं, आप उनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ किसी भी तरह का दान या कोई भी चीज़ देनी हो तो वो भी इन बच्चों को दे सकते हैं। इसी के बगल में बिल्कुल रॉयल हवेली बनी हुई है, जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। किसी भी तरह का बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर आप करवा सकते हैं। रॉयल हवेली है, जीडी गोल्डी का स्कूल भी है, यहाँ पब्लिक स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है, बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर शहर के बच्चे पढ़ने आते हैं। सभी तरह की व्यवस्थाओं के साथ ये स्कूल नेशनल हाईवे पे बना हुआ है। ये महिंद्रा का शोरूम है, जहाँ पर गाड़ियाँ आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से गाड़ी ख़रीद सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि नेशनल हाईवे पे सभी शोरूम जो शहर के बीच में हुआ करते थे वो अब नेशनल हाईवे के ऊपर आ चुके हैं। नेशनल हाईवे ये डबावाली की तरफ चला जाता है और हम उसी रोड पे आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ आपको खूबसूरत नज़ारे भी दिखाएंगे, आसपास में हरियाली भी दिखाएंगे और नेशनल हाईवे के ऊपर किस तरह से आपको जाना है। ये यहाँ पर एक मोड़ है, आपको बता दें कि नेशनल हाईवे के ऊपर जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर किसी तरह की गाड़ी दुर्घटना होती है तो वो पुख्ता यहाँ पर व्यवस्था भी की हुई है। एम्बुलेंस की व्यवस्था पर भी यहाँ पर बनी हुई है। शिवा मोटेल भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर विवाह शादियों के प्रोग्राम किए जाते हैं। इसके बिल्कुल सामने पुल के दूसरी ओर यहाँ पर ये पुल के ऊपर का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ से जहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ पर दो पुल बने हुए हैं, एक शहर की तरफ नीचे की तरफ चला जाता है और एक ऊपर की तरफ होकर के डबावाली और दूसरी जगह। पूरे शहर को ये अलग से बाहर ही निकल जाता है और ये आप घग्गर की तरफ भी जा सकते हैं और बरनाला की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो बरनाला रोड पर आप इसी के माध्यम से जा सकते हैं। यहाँ पर सिकंदरपुर का जो है डेरा, वो भी मशहूर डेरा है। यहाँ पर उनकी यूनिट भी लगी हुई है, जहाँ गुड़ बनाया जाता है। सिकंदरपुर एग्रीकल्चर फार्म्स भी यहाँ पर है और यहाँ पर कई तरह के नरमा, कपास और सरसों, गेहूँ, इनके बीज भी उपलब्ध हैं, जो अच्छी वैरायटी के और गुणवत्ता युक्त है। यहाँ जो गुड़ बनाया जाता है वो सिकंदरपुर के अलावा ब्यास तक जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर है। और इसके अलावा हम आपको दिखा देते हैं कि सिकंदरपुर का जो विहंगम दृश्य है, जो पांडाल है जहाँ पर सत्संग होती है, वो आप इसके बगल में देख सकते हैं। ये सारा यहाँ पर सत्संग होती है। इसके अलावा यहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ भी अलग अलग बनी हुई हैं। सिकंदरपुर के बिल्कुल बगल में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ फूड की व्यवस्था भी है और प्राइवेट कोर्ट भी बना हुआ है, जहाँ पर अलग अलग रूम भी आपको मिल सकते हैं। नेशनल हाईवे बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसके ये जो पुल है, हम यहाँ पर खड़े हैं, इसके नीचे की तरफ से एक रास्ता निकलता है जो शहर की ओर जाता है। ये पुल के ऊपर का दृश्य है, यहाँ से ये जो रोड जा रहा है, ये रोड शहर की तरफ जा रहा है। शहर से इधर हिसार की तरफ वाहन आते हैं। यहाँ पर निशिराज पैलेस भी है, इसी रोड के ऊपर मंगलम पैलेस भी बना हुआ है जो बगल में है, आप देख भी सकते हैं इसको। और यहाँ पर बहुत सारे मार्बल के शोरूम, अलग अलग किस्म के मार्बल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। प्रिंस मार्बल है और बहुत सारे यहाँ पर मार्बल की दुकानें और शोरूम मिल जाएंगे। रामा मार्बल भी इनमें से एक है। कमला मेंटेनेंसरी स्कूल भी यहीं पर है, जो नेशनल हाईवे के बिल्कुल बगल में है और पुल का जाने वाली रोड के ऊपर है। वैदवाला से जो रोड आ रही है वो यहाँ से क्रॉस करती है। दोस्तों, ये था पूर्वी भाग, अब हम आपको दूसरा पश्चिमी भाग भी दिखाएंगे और उत्तरी भाग भी दिखाएंगे।
उसके बाद में दक्षिणी भाग लेकर के आपके सामने आएंगे कि क्या क्या सिरसा के अंदर दक्षिणी भाग में है, जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, पूरा परिदृश्य डेरे का दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सिरसा के चार भाग। बहुत बहुत धन्यवाद।